150 मीटर की ऊंचाई पर। अब हम ये देख सकते हैं कि हम लगभग लगभग 150 मीटर की ऊंचाई पे हैं चंद्रमा के सतह से। We are approaching the vertical descent phase 2, which will have the lander module hovering at nearly 150 meters above the lunar surface. जी हाँ, आप इस तालीम की गड़गड़ाहट को सुन सकते हैं, जो कि सेकेंड हैलोरिक फेज के कंप्लीट होने के बाद इन सारे वैज्ञानिकों के द्वारा की जा रही है। जी हाँ, आप अगर फिर से ध्यान से देखें तो एल्टीट्यूड पुनः कम होता जा रहा है। जी हाँ, आप अगर फिर से ध्यान से देखें तो एल्टीट्यूड पुनः कम होता जा रहा है। अभी हम लोग लगभग लगभग 135 मीटर की ऊंचाई पे। The sensors that are updating at this point are providing confirmation of the safety of the landing site. As expected, the retargeting is going on. And this is a very good signature for the lander. लैंडर की ऊंचाई लगभग 65। अभी आप ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 65 मीटर के आसपास बची हुई है। मोदी का देखते हैं बड़ा गौर से। Currently, only two engines are now being fired, and we are nearly at zero velocity, vertical and horizontal. We were hovering, and now we are approaching the moon surface. वेग बांध को कम किया जा रहा है। धीरे-धीरे हम अब लगभग 50 मीटर की वेग बांध को कम किया जा रहा है, और हम अब लगभग 50 मीटर से भी कम आ चुके हैं। We can see the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, who is here to encourage us, and he is critically looking at the visuals. Yo, Ratanji, live condition in studio. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन को देख सकते हैं कि हम लैंड मॉड्यूल लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। बहुत ही उम्दा, द हार्ड वर्क ऑफ द एंटायर इसरो कम्युनिटी हैज कम टू फ्रूएशन। भारत यार काम बदले हो गए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। सर, वी हैव अचीव्ड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून। इंडिया इज ऑन द मून। सर, आई रिक्वेस्ट आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टू एड्रेस अस एंड ब्लेस अस। थैंक यू सर। मेरे प्यारे परिवारजनों, मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं, जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है, ये क्षण अभूतपूर्व है, ये क्षण विकसित भारत के संघनाद का है, ये क्षण नए भारत के जयघोष का है, इच्छा मुश्किलों के महासागर को पार करने का, इच्छा जीत के चंद्र पथ पर चलने का है, इच्छा
140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। इच्छा भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। इच्छा भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की यह अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने। साथियों, मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं, लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाभियान पर भी लगा हुआ था। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया, हर घर में उत्सव शुरू हो गया। हृदय से मैं भी अपने देशवासियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूं। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया। उत्साह, उमंग, आनंद और भावुकता से भरे इस अद्भुत पल के लिए मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी कोटि कोटि बधाइयां देता हूं। मेरे परिवारजनों, हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है, जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी। भारत में तो हम सभी लोग धरती को माँ कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं। कभी कहा जाता था, चंदा मामा बहुत दूर के हैं, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे, चंदा मामा बस एक दूर के हैं। Friends, on this joyous occasion, I would like to address all the people of the world.